bismillahir rahmanir assalamu alaikum, dear students. my name is aisha saleem i hope you all are fine and doing well. today we are going to start our next chapter that is chapter number 7. and in today's lecture we are going to start lecture number 1 of chapter number 7 that is about components of solution. under our laws in which we demonstrate the process of solution formation and further we distinguish between solute, solvent and

लिक्विड पार्ट वेयर एज जो हमारे पास वेजिटेबल्स नूडल्स डेट जो ये चीजें मौजूद हैं ये सोल्यूड के फॉर्म में हमारे पास एक सोल्यूशन के अंदर मौजूद होंगी तो हमारे पास एक और एग्जांपल के ज़रिए से इसको देखते हैं कि हम सम हम हम कहते हैं कि एयर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ़ गैसेस वेरियस गैसेस हमारे पास तमाम गैसेस मिलती हैं और एयर बनाती हैं अब इन तमाम गैसेस में से हमारे पास सॉल्वेंट एज अ सॉल्वेंट कौन सी गैस एक्ट करेगी आपको यहाँ पे एक पाईग्राफ दिया एक ग्राफ दिया गया है आप इस इस इसको गौर से देखिए इसमें गैस के कंसेंट्रेशन भी दी गई हैं इनको इन कंसेंट्रेशन को गौर से देखिए और मुझे बताइए कि विच गैस एक्ट इज अ सोलवेंट इन दिस सोल्यूशन Very good. So, हमने देखा कि हमारे पास नाइट्रोजन एक्ट एजेंट बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन लार्जर स्टूडेंट सोल्यूट एंड सोल्वेंट एज सोल्टांस दैट इज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट तो अगर हम देखें कि हमारे पास वाटर और शुगर के सोल्यूशन में सोल्यूट और सोलवेंट कौन सा है या टेबल सोल्ट के सोल्यूशन में तो हमारे पास टेबल सोल्ट इज अवेंट

लिक्विड डिसॉल्वड इन गैस लिक्विड डिसॉल्वड इन लिक्विड ये तमाम हमारे पास सॉल्यूशंस हैं ये इनकी एग्जांपल्स हैं एंड हियर आर द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट फॉर एग्जांपल हम इसमें से एक एग्जांपल लेते हैं लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड यानी हमारे पास सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों की फेज क्या होगी लिक्विड होगी एग्जांपल हम ली विनेगर की जिसको हम एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं इसी तरह हमारे पास अगर सॉल्वेंट देखें तो वो वाटर है जबकि सोल्यूट हमारे पास एसिटिक एसिड एसीट है इसी तरह हाँ अगर हम एक और एग्जाम्पल लें सॉलिड दैट इज डिजोल्व इन लिक्विड यानी हमारे पास सॉलिड लिक्विड डिजोल्व होगा तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास स्वीट टी की तो आप देख सकते हैं कि अगर सॉलिड डिजोल्व हो रहा है लिक्विड में तो सॉलिड मस्ट बी सोल्यूट और लिक्विड हमारे पास सॉल्वेंट होगा इसी तरह आप देखें तो हमारे पास टी इज द सोल्वेंट वे एज द शुगर पार्टिकल्स एक्ट एज अट तो इसी तरह हमारे पास वेरियस एग्जाम्पल्स हैं सोल्यूट और सोलवेंट की जो टेबल के अंदर दी गई हैं नेक्स्ट हम मूव करते हैं और अपनी एक स्किल को अचीव करेंगे दैट इज स्किल 7.1 टू स्किल 7.2 यू कैन इजीली गेट एक्सेस टू दिस स्किल बाय स्कैनिंग द क्यूआर कोड एंड फर्दर हमारे पास ही स्किल लिंक uh, uh, की फॉर्म में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया होगा अब वहाँ से इजीली क्लिक करके इस लिंक को ओपन कर सकते हैं सो so, हमारे पास इस स्किल को अचीव करने के लिए दो प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे इन प्रोसीजर्स में हम अपने दो सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे द मटीरियल दैट यू नीड टू परफॉर्म दिस सोल्यूशन इज़ वॉटर एसिडिक एसिड या अल्कोहल आप इनमें से कोई सा भी एक सोल्यूशन ले सकते हैं इसके अलावा ग्लूकोज या सुक्रोज में से कोई भी सोल्यूशन ले सकते हैं सो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रोसीजर नंबर वन है उसमें आपको चाहिए बीकर बीकर के अंदर हम लेंगे हंड्रेड एम एल हमने 100 एम एल वाटर ले लिया और उसके अंदर हम सोल्यूट में ऐड करेंगे आपके पास अगर सुक्रोज है तो आप सुक्रोज ऐड कर दीजिए ग्लूकोज़ है तो आप ग्लूकोज़ ऐड कर दीजिए तो इसके अंदर हमने ग्लूकोज़ को ऐड किया और आफ्टर स्टेयरिंग हमने इसका एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया और तब तक स्टीयर करना है जब तक हमारे पास ग्लूकोज कंप्लीट तौर पे डिजोल्व ना हो जाए प्रोसीजर बी को परफॉर्म करने के लिए हम अगेन एक बीकर लेंगे उसके अंदर हम 100 एम वाटर लेंगे और वाटर के अंदर सोल्यूट ऐड करेंगे वो आपके पास एसिटिक एसिड भी हो सकता है या फिर आपके पास अल्कोहल भी हो सकता है तो फर्ज़ करें कि अगर हमने एज अ सोल्यूट लिया एसिटिक एसिड को तो ये दोनों सोल्यूशन आपके पास प्रिपेयर हो जाएंगे और इन्हीं सॉल्यूशंस की बुनियाद पर हम अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को आंसर्स देंगे व्हाट आर दिस क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ डिड यू कम टू नो दैट अ सॉल्यूशन हैज फॉर्मड तो मुझे बताइए कि आपको किस तरह से पता लगेगा कि हमारे पास एक सॉल्यूशन फॉर्म uh, हो चुका है वेरी गुड तो अल्यूशन हैज फॉर्म्ड व्हेन सोल्यूट आ इधर वो ग्लूकोज या सुक्रोज हो या अल्कोहल या एसिटिक एसिड हो व्हेन दे आर कम्प्लीटली डिजोल्व इन सॉल्वेंट जो की वाटर है तो हमारे पास सोल्यूशन कम्प्लीटली तौर पर फॉर्म हो चुका है नेक्स्ट है हमारे पास आर द न्यूलीफॉर्म सोल्यूशंस मिक्सचर और कंपाउंड सो वॉट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड सोल्यूट सॉरी मिक्सचर एंड कंपाउंड मुझे बताइए एंड देन हम इस क्वेश्चन के आंसर को uh, लिखेंगे वेरी गुड तो हमारे पास कंपाउंड होने की शर्त है कि फिक्स रेशियो होनी चाहिए जबकि मिक्सचर में रेशियो फिक्स नहीं होती तो हमने अपने सोल्यूट को फिक्स रेशियो में ऐड नहीं किया हमने सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड किया है तो द गि द फॉर्म सोल्यूशन इज अस्चर नॉट अ कंपाउंड अब अगर हम इनके सोल्यूट और सोलवेंट को सेपरेट करके लिखें, तो हमारे पास फर्स्ट केस है सोलिड इन लिक्विड का जिसके अंदर हमारे पास सोलवेंट वाटर था जबकि सोल्यूट ग्लूकोज या सुक्रोज़ था इसी तरह अगर हम अपने नेक्स्ट सोल्यूशन में देखें दैट इज अ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन तो सोलवेंट इज अ वाटर वीयर एज सोल्यूट हमारे पास अल्कोहल या एसिटिक एसिड acid होगा नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन का कलर क्या होगा तो डियर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों प्योर फॉर्म में मौजूद हैं तो हमारे पास सोल्यूशन का कोई कलर नहीं होगा इसी तरह के डिड एनी गैस रिलीज फ्रॉम एनी ऑफ द टू सोल्यूशन सो आंसर इज नो नो गैस इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन अल्कोहल बी सेपरेटेड यस वी कैन सेपरेट अल्कोहल बाई द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन नेक्स्ट है हमारे पास ग्लूकोज को हम किस मैथड के जरिए सेपरेट कर सकते हैं अगर आ, क्या इसको कर सकते हैं और अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो सोचिए और मुझे बताइए कि विच टेक्निक डज यू प्रेफर टू सेपरेट ग्लूकोज और सुक्रॉज फ्राम वाटर वेरी गुड तो हमारे पास जो टेक्निक इस्तेमाल होगी वो यानी तो अवेपोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन वन ऑफ दो कैन बी यूज्ड टू सेपरेट ग्लूकोज और सुक्रोज फ्रॉम दी वॉटर नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड इक्वेशन लिखनी है सो सोर इज द दर्ड इक्वेशन दैट इज रिटन फॉर बोथ रिएक्शंस फर्स्ट वन इज वाटर एंड ग्लूकोज ग्लूकोज इक्वेशन वाटर एंड एसिटिक एसिड कंबाइन टू गिव एसिटिक एसिड सॉल्यूशन जिसको हम विनेगर सॉल्यूशन भी कहते हैं सो so ये हमारे पास क्वेश्चंस जिनके हमने आंसर्स को फाइंड आउट किया अब हम अपने लेक्चर को समराइज करेंगे हमने आज के लेक्चर के अंदर देखा कि हमारे पास सॉल्यूशन टू और मोर कंपोनेंट्स का एक होमोचीज

वेरी गुड मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा नेक्स्ट दैट इज योर होमवर्क दैट इज एक्टिविटी नंबर वन द लिंक ऑफ दिस इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो सो आपके पास ये एक्टिविटी है इसको आप सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क और इन शाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम अपने लेसन को यहीं से फर्दर प्रोसीड करेंगे और कुछ नए टॉपिक्स को uh, सीखेंगे सो ये स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू वेरी मच एंड हाफिज़